हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। आज मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस इनिशिएटिव का कोई फैंसी नाम नहीं है, बट द पर्पस इज़ वेरी सिंपल। हमारी लैंग्वेज में बोलें तो एकदम सॉर्टेड है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आंसर राइटिंग इन मेन्स। 20 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में आंसर करना एंड राइटिंग अ टोटल ऑफ 4000 वर्ड्स इन 180 मिनट्स इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कुछ ही एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आंसर राइटिंग बहुत रिफाइंड होता है। मेजॉरिटी ऑफ अस हैव टू लर्न हाउ टू राइट लाइक देम और राइट इन अ सर्टेन वे विच इज प्रेफर्ड बाई यूपीएससी। ऐसे में पहला एक साल हम बस पढ़ने में लगाते हैं और प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं विच लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। इन टेस्ट सीरीज में हम आंसर्स लिखकर भूल जाते हैं। The concept of self-analysis is defeated completely in these test series. मेरे initiative का objective है हमारे preparation करने के तरीके को बदलना। Now you will not spend 1 year of your preparation on just reading. If you are starting with your UPSC prep today, you need to understand how to write answers from day 1. And I will help you in understanding this and learning this how part of answer writing from day 1 itself. मैं रेगुलरली आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रेप इन अ स्मार्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। लेट अस स्टार्ट विद अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू पिक अप क्वेश्चंस 1 by 1। तो सबसे पहले मैं सबसे रिसेंट क्वेश्चन पेपर लूँगा, 2018 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और उसमें GS3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। Now you have to understand that the purpose of these videos, the purpose of this discussion is to teach you how to write effective and more organized answers. आपको ये बताना है और ये समझना है कि कितने अच्छे, किस तरह से अच्छे और ज़्यादा इफेक्टिव आंसर्स हम लिख सकते हैं वाइल वी आर स्टार्टिंग। अभी तक क्या होता है, आप पहले एक साल तैयारी करते हैं और उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, ये यूपीएससी मेन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपको हेल्प करेगा कि मेन्स से इंटरव्यू में आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा इफेक्टिवली जा सकें। एंड द पर्पस एज आई सेड इज़ वेरी क्लियर, टू राइट योर ओन टेस्ट सीरीज। नाउ यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन एल्स टेलिंग यू वॉट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। आपको ये नहीं बताएगा कोई आपके आंसर्स चेक करके कि आपने ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है। अ बेटर अप्रोच इज़ टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि किस तरह से आंसर्स लिखने चाहिए और फिर आपने जब आंसर लिखा तो उसको खुद उठा के चेक करें कि मैंने आंसर सही लिखा है, गलत लिखा है, कहाँ पर सही लिखा है, कहाँ पर गलतियाँ की हैं। ओके, क्वेश्चन आज का देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू पिक अप टुडे इज एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द साइन ए क्वा नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। ये क्वेश्चन एज आई सेड 2018 GS3 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इतना लंबा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो भी क्वेश्चन हम आज के बाद और आज से पढ़ेंगे उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करेंगे और उसमें हम कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। इसका मतलब सिंपल है, ये आपको लंबा करके कन्फ्यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है newer methods of energy, newer and more advanced methods of energy. तो energy generate करने के और उसको share करने के क्या नए तरीके हैं, which are supposed to be more affordable, are supposed to be more reliable, are supposed to be sustainable and are supposed to be modern. तो ये कौन से तरीके हैं, हमने इस कीवर्ड को और छोटा कर लिया। अकॉर्डिंग टू और एक्सेस टू सॉरी newer methods of energy is the sine qua non. Sine qua non मतलब essential। तो स्टेटमेंट बोल रहा है दैट एक्सेस टू न्यूअर मेथड्स ऑफ एनर्जी इज एसेंशियल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये नहीं बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इट क्लियरली सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उनके 169 टारगेट्स हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको बस ये याद रखना है आज के बाद, और आज ही आप इस वीडियो के बाद ये 17 के 17 SDGs अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लोगे और समझ लोगे कि कौन कौन से डायमेंशंस SDGs टच कर रहा है। SDGs बहुत सारे डायमेंशंस उठाता है, जैसे हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट, वाटर लाइफ, बहुत सारी चीज़ें उसने पिकअप की है इन 17
SDGs goals के साथ। उनमें से एक है affordable and clean energy, which is SDG 7। तो ये मैं assume कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, या फिर अगर नहीं पढ़ी हैं तो आज के बाद पढ़ेंगे, जिससे कि SDG से related जो भी question आता है आप एक similar approach के through उसको solve कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरफ फिर से चलते हैं। एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज एसेंशियल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो हमने दो पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड कर लिया, इस क्वेश्चन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और उस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के थ्रू हमने आंसर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है एनर्जी इज एसेंशियल फैक्टर इन अचीविंग SDGs, विच इज बेसिकली वॉट दिस लॉन्ग स्टेटमेंट इज सेइंग। इतना लंबा स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसका मतलब एक्चुअल में यही है, दैट एनर्जी इज एन एसेंशियल फैक्टर इन अचीविंग SDGs, ये हमको प्रूव करना है। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड, स्टेप्स बाय इंडिया टू सेटअप, तो हमने बताना है कि कौन कौन से इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, प्रोग्रेस की है मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस किस एरिया से रिलेटेड, प्रोग्रेस रिलेटेड टू दीज मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनर्जीज। उससे क्या होगा, उससे हमें बताना है कि SDGs अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं तो कौन से SDGs अचीव हो रहे हैं। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसको और क्लियर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन उठाएंगे UPSC में आज से और आज के बाद, उसको सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट UPSC आंसर्स इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप उठाएंगे उनको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम आज के बाद अपनी प्रिपरेशन में भी और अपने आंसर्स में भी, जो भी हम आंसर्स लिखेंगे UPSC में फाइनली, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे। द प्रॉब्लम इज वी थिंक दैट वी विल डू इट, बट वी आर नेवर एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर टाइम थ्रू दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला दैट अफोर्डेबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स आर द साइन ए क्वा नॉन, मतलब आर एसेंशियल टू अचीव SDGs। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि एनर्जी सिस्टम्स जो हैं मॉडर्न, अगर हम ये मॉडर्न सिस्टम्स एनर्जी सिस्टम्स फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो हम बहुत सारे SDGs अचीव कर सकते हैं। हमें बताया नहीं कि कौन से SDGs, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे SDGs हैं, उनमें से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एनर्जी से वो हैं वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज। ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एनर्जी से। एनर्जी अगर हमारी मॉडर्न होगी, मान लीजिए आप नॉर्मल कार ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, दैट मीन्स अ मॉडर्न एंड मोस्ट सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी, बिकॉज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज गोइंग टू रिड्यूस। आपका क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज किस तरह से इम्पैक्ट होगा, बिकॉज दे विल बी लेस एयर पोल्यूशन, दे विल बी लेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सो द डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन ने बोला है दैट मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स एडॉप्शन रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ सर्टेन SDGs। And the second part says, what are the steps taken by India in light of this statement? Highlight what are the steps taken by India, what is this progress made by India, which basically means the steps taken by India, और उन steps में कितना success है, कितना failure है, which have resulted or which have helped India in achieving these SDGs. तो हमने ये diagram के through explain किया, सब कुछ मिटा देते हैं, फिर से देखेंगे। ये diagram के through हमने ये कम्युनिकेट किया है रीडर को दैट देर आर सर्टन मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स, सर्टन मॉडर्न एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स, एडॉप्शन ऑफ दीज मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स बाय इंडिया थ्रू दीज इनिशिएटिव्स हैव रिजल्टेड इन अस अचीविंग सर्टन ऑफ दीज SDGs। तो हमने एक डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना लिया, जिससे हमने बहुत ईजिली अपनी बात को कम्युनिकेट कर दिया। अब अगर आप इस डायग्राम को फिर से देखेंगे, यू विल रियलाइज दैट इट इज़ मच मोर ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एनर्जी सिस्टम्स हमने मॉडर्न और सस्टेनेबल अडॉप्ट किए, किस तरह से अडॉप्ट किए, इन सारे स्टेप्स के थ्रू इंडिया ने ये सारे सिस्टम्स अडॉप्ट किए,
और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम ये सारे SDGs अलॉन्ग विद द SDG ऑन एफोर्डेबल एंड क्लीन हेल्थ, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी विच इज़ SDG 7, वो तो अचीव हो ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे और SDGs भी अचीव हो रहे हैं। आई होप इट इज़ मोर क्लियर नाउ। तो इस तरह से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न हाउ टू राइट बेटर एंड मोर इफेक्टिव आंसर्स। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू लर्न वॉट आंसर टू राइट, द ऑब्जेक्टिव इज साइमल्टेनियसली टू लर्न हाउ टू राइट बेटर एंड मोर इफेक्टिव आंसर्स। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टुगेदर। तो हमने ये डायग्राम, लेट्स से फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे लर्न कर लिया है, एंड वी कैन रिप्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स इन द फ्यूचर आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू राइट। ऐसे ही हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डायग्राम्स समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट आर आंसर्स बेटर। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो अब हमने रीडर को बता दिया दैट दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस। आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट आर दी मोर अफोर्डेबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स विच हैव बीन अडॉप्टेड बाई इंडिया थ्रू दी स्टेप्स एंड वॉट इज़ द रिजल्ट। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज करता है, एंड द क्वेश्चन इज वॉट टू राइट इन द इंट्रोडक्शन, वॉट टू राइट इन द बॉडी एंड वॉट टू राइट इन द कंक्लूजन इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में से हम 20-30 वर्ड्स उस डायग्राम के थ्रू खा गए, तो हमारे पास 120 से 130 वर्ड्स ही बचे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा था दैट एनर्जी सिस्टम्स आर एसेंशियल टू अचीव SDGs। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू राइट इन द इंट्रोडक्शन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी सिस्टम्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोर सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स इन अचीविंग SDGs अदर देन द SDG ऑन एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया, हम दो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिनेशन और डिफाइन। तो हम यहाँ पे डिफाइन क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा SDG है विच इज़ कनेक्टेड विद एनर्जी सिस्टम्स। सो SDG 7 टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दिस विल बी आर फाइनल सेंटेंस। मैंने इस तरह से ये लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के और किस तरह से छोटे से छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं विच ऑल्सो कम्युनिकेट योर फाइनल आंसर और विच ऑल्सो कम्युनिकेट वॉट यू वॉन्ट टू राइट। SDG 7 कैन नॉट बी मेजर्ड इन आइसोलेशन। अब हम इंपॉर्टेंस पे आ गए, ये इंट्रोड चल रहा है, इंट्रोड की फर्स्ट लाइन में हमने बताया SDG 7 टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड SDG 7 कैन नॉट बी मेजर्ड इन आइसोलेशन, इट इज डायरेक्टली एंड डीपली कनेक्टेड विद SDGs ऑन हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सिटीज, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमने ये भी बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स की, बिकॉज इंपॉर्टेंस ये है दैट दी SDG ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर SDGs। इफ SDG ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज नॉट अचीव्ड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, कनेक्टेड हेल्थ, वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स थ्रेटन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंस को री इन्फोर्स कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो इंट्रो में हमने क्या लिखा, इंट्रो में हमने दो चीज़ लिखी, हमने डिफाइन किया है और इंट्रो में ही हमने इंपॉर्टेंस भी मेंशन की है, इंपॉर्टेंस भी मेंशन कर दी और डिफाइन भी कर दिया। नाउ वी कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम सिंपल होगा, इंट्रो में हमने सबसे पहले लिंक क्रिएट किया फर्स्ट और थर्ड एस्पेक्ट में, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड एस्पेक्ट की बात फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में की गई थी। तो जो लिंक क्रिएट किया गया वो क्रिएट किया गया इंट्रोडक्शन में फर्स्ट और थर्ड पार्ट में, और बॉडी में जो लिंक क्रिएट किया जाएगा वो किया जाएगा सेकेंड और थर्ड पार्ट में। लेट्स कम टू द बॉडी। बॉडी में क्या बोलेंगे हम, बॉडी में हम बताएंगे दैट इंडियाज़ प्रोग्रेस या फिर इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे SDGs अदर देन SDG 7 हैव बीन अचीव्ड, एंड दी स्टेप्स हैव टू बी इन मॉडर्न एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स। तो मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स में क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं जिससे कि SDGs अचीव हो रहे हैं या फिर हो जाएंगे। नंबर वन, इंडिया हैज़ मेड अ टारगेट ऑफ एडिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2022, आउट ऑफ दिस 75 गीगावाट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन को बढ़ा रहे हैं, इंस्टॉल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है हमारा और उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमने अचीव भी कर लिया है। तो प्रोग्रेस भी बता दिया और स्टेप भी बता दिया, और उसके थ्रू हमने ये भी बता दिया कि इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज पर, विच इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट हियर, नॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 40 गीगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन द कंट्री बाय द ईयर
2022। इसमें हमने स्पेसिफिकली फोकस कर दिया रूफटॉप सोलर कैपेसिटी पे। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। दिस इज सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिमेंबर आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि 150 वर्ड्स में किस तरह से आंसर लिखना है। सेकेंड, इंडिया की प्रोग्रेस क्या है हेल्थ में। फेम और फेम टू हैव बीन लॉन्च फॉर प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिप्लेस पेट्रोल एंड डीजल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हेल्थ थ्रू एयर पोल्यूशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट, बेटर हेल्थ, बेटर एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स फॉलोइंग बाय इंडिया। कुसुम स्कीम फॉर फार्मर्स, ये एक और स्कीम है। तो हमने दो स्टेप्स यहाँ पर बता दिए या फिर दो प्रोग्रेस इंडिया की बता दी। टू इंस्टॉल सोलर वाटर पम्प्स, जिससे वो डीजल वाटर पम्प्स पे ना रिलाय करें, सोलर वाटर पम्प्स एंड सोलर पावर प्लांट्स इन दी रूरल एरियाज। पावर प्लांट्स भी रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कुसुम स्कीम। तो ये प्रोग्रेस हो गई इंडिया की, विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन अचीविंग दी SDG ऑन हेल्थ थ्रू रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन। अब थर्ड पे आते हैं, क्लाइमेट चेंज। जो हमने दोनों कुसुम और फेम टू किए उनका क्लाइमेट चेंज पर भी इम्पैक्ट है, तो वहाँ भी डाल सकते हैं आप। क्लाइमेट चेंज में क्या, इंडिया इज़ दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस जो है उसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, फाउंडिंग वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। और उसका ऑब्जेक्टिव है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया इंडिया का, विच हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन और कोरिलेशन विद क्लाइमेट चेंज टारगेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द एंटायर वर्ल्ड। INDC ऑफ इंडिया, विच इज एक्सपेक्टेड और सपोज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर। तो INDC क्या है, टू इम्प्रूव एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 30-35% बाई 2030। इससे क्या होगा, अगेन बिकॉज ये पेरिस क्लाइमेट मीट के बाद डिसाइड किया गया है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पर है। स्किल डेवलपमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एग्जाम्पल सूर्य मित्रा। अब ये एक और इम्पैक्ट हो गया। स्टेप हमने क्या किया, स्टेप हमने या प्रोग्रेस हमने की इंडिया ने, कि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट भी वहाँ पर इंटीग्रेट कर दी। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मोर जॉब्स, मोर एम्प्लॉयमेंट, बेटर एजुकेशन, बेटर वोकेशनल एजुकेशन, विच इज़ अगेन वन ऑफ दी SDGs। तो ये एक और स्टेप हो गया। मोर रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स लेस इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, ये हमने इकोनॉमी से कनेक्ट किया। इम्पोर्ट कम होगा ऑयल का, मोर फॉरेक्स सेविंग्स, हायर GDP ग्रोथ एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स। इसके आप बहुत सारे कनेक्शंस बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने जो कनेक्शन बनाया था वो ये था कि हम ऑयल इम्पोर्ट कम करेंगे तो नंबर वन आर रिलायंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स ऑन अदर नेशंस विल रिड्यूस। सेकेंडली हमारी फॉरेक्स सेविंग बढ़ेगी जिससे कि GDP ग्रोथ बढ़ेगी। थर्ड, हम वही एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे डोमेस्टिकली थ्रू रिन्यूएबल सिस्टम्स, तो हमारे GDP ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी बढ़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट डायरेक्टली होगा बिकॉज ऑयल इज़ नॉट अ क्लीन फ्यूल, तो हम उसकी जगह क्लीन फ्यूल्स यूज़ करेंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो वो एक प्रोग्रेस हो गई इंडिया की। अब नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रोग्रेस की गई है, विच हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद वन ऑफ द SDGs विच इज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ECBC नीति आयोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, नीति आयोग ने बोला है कि ECBC को हम फॉलो करेंगे अगर ECBC है स्टैंड फॉर एनर्जी कॉन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड। ECBC स्टैंड फॉर वॉट, एनर्जी कॉन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो नीति आयोग ने बोला है कि अगर ECBC को हम फॉलो करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। वी कैन सेव एनर्जी एंड डाइवर्ट फोकस टूवर्ड्स यूजेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये एक और प्रोग्रेस हो गई, नॉट इन रियलिटी, ओनली ऑन पेपर प्रोबेबली, एंड प्रोबेबली सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव अडॉप्टेड ECBC स्टैंडर्ड्स, बट लार्ज पार्ट में अभी तक नहीं हुआ है। नीति आयोग ने बोला है कि ये करना चाहिए। सो दीज आर दी स्टेप्स एंड प्रोग्रेसेस दैट इंडिया हैव मेड। अब बिकॉज हमारे को क्वेश्चन में बोला है कमेंट, वी हैव टू कमेंट ऑन दी प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया एंड दी स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इन दिस पर्टिकुलर लाइट। सो जहाँ पर भी कमेंट आ जाता है वहाँ पर वी हैव टू ट्राई एंड शो बोथ द साइड्स। सो एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो कमेंट ऑन और आइडेंटिफाई व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से एरियाज हैं या तो वहाँ पर हमने अचीव नहीं किया है कुछ भी या फिर हमने कुछ एरियाज को इग्नोर कर दिया है कम्प्लीटली। सो द फर्स्ट एरिया दैट आई हैव मैंशनड हेयर इज़ एन एरिया जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन गलत है।
अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल ये बताया गया कि 40% की हमारा जो जनरेशन ऑफ कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी है दैट शुड बी 2.5 ट्रिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, और हम उसको 1.5 ट्रिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंट लेकर चल रहे हैं। अगर 2.5 ट्रिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर चलें तो 275 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमको चाहिए होगा 2022 तक। लेकिन हमने टारगेट क्या बनाया, हमने टारगेट बनाया है 175 गीगावाट। तो हमारा टारगेट एक्चुअली जितना हमें चाहिए होगा रिन्यूएबल एनर्जी उससे कम है। सो दैट इज़ अ वन ऑफ द फेलियर्स दैट वी हैव। सेकेंड फेलियर क्या है, सेकेंड फेलियर है दैट इन द एरिया ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन स्पेसिफिकली डैम्स विच आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू पोल्यूशन इन रिवर्स, उनमें कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज एंड एडवांस्ड कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड एंड हैव रियलाइज कि स्मॉल डैम्स ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, बट द सेम पॉलिसी हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड बाई अस येट। हम लोगों ने इस पॉलिसी को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। वी आर स्टिल रिलायंट ऑन लार्ज डैम्स विच हैज़ अ वेरी हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वाटर एंड सैनिटेशन क्वालिटी इन द कंट्री। तो हमारी जो हाइड्रो पॉलिसी है वो अभी भी लार्ज डैम्स पे फोकस्ड है, अभी भी स्मॉल डैम्स पे फोकस्ड नहीं है। सो दैट इज़ अ बिग फेलियर दैट वी हैव विच इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन ऑफ द SDGs। तीसरा है हेल्थ और एयर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, बट अभी तक द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इज़ वेरी नेग्लिजिबल बिकॉज 72% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको दे आर स्टिल डायरेक्टली कनेक्टेड विद नॉलेज। ऑफकोर्स नॉलेज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज आर नॉलेज बेटर। देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ मोर थिंग्स विच कैन बी रिटन इन दिस आंसर। बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, बहुत डिटेल में लिखा जा सकता है, बट वी हैव टू ट्राई एंड स्टिक टू वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग। और हर एक स्टेटमेंट के बाद, जैसे यहाँ पर मैंने बताया नहीं है, बट हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको री इन्फोर्स करके बताना है दैट हाउ इज़ योर स्टेटमेंट कनेक्टेड विद वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एयर पोल्यूशन, 72% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम coal fired power plants. This means you can probably write that this means that India's progress towards achieving more modern and sustainable energy systems is far away, is not yet nearby, is far away, or will take a lot of time to achieve in the future, which might defeat the purpose of achieving the SDG on health and pollution levels or climate change. Okay, so what you're doing is you're connecting every point that you're making with the point that is being asked by the examiner. Examiner ne kya pucha hai? Examiner ne pucha hai India ki progress batao in achieving these SDGs through modern and sustainable energy systems. To humne failures bata diye. अब हमने सक्सेस फेलियर्स दोनों डिस्कस कर लिए, हमने इंटरव्यू बना दिया, बॉडी पे आ गए, कंक्लूजन पे आ गए। सॉरी, कंक्लूजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट इट्स वेरी सिंपल। अ लॉट ऑफ पीपल टेल यू दैट यू हैव टू राइट वे फॉरवर्ड इन कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड होता क्या है? वे फॉरवर्ड इज बेसिकली वॉट शुड बी डन बाय इंडिया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वॉट शुड बी डन बाय इंडिया इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स फेलियर्स एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रोग्रेसेस और अचीवमेंट्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अभी तक नहीं लिए गए हैं, जो लिए जाने चाहिए? आप लिख सकते थे वही स्टेप्स जो फेलियर्स में थे, उसमें रेपिटेशन होता, तो आप कुछ नई चीज़ें बोल सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्मार्ट ग्रिड्स, जिससे कि गवर्नेंस बढ़ेगी और गवर्नेंस बेटर होगी, विच इज़ ऑल्सो एन SDG। सो बेटर गवर्नेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द SDGs। तो स्मार्ट ग्रिड्स हो गया नंबर वन। नंबर टू, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर ग्रिड सिस्टम फॉर सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। अब हमारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द अर्बन एरियाज फॉर देयर कॉन्टिन्यूटी, फॉर देयर फॉरवर्ड मूवमेंट। तो डिसेंट्रलाइज्ड सोलर ग्रिड सिस्टम अगर क्रिएट कर पाएंगे देन द विलेजेस विल बी सेल्फ सफिशिएंट एंड देन वी कैन अचीव वॉट APJ अब्दुल कलाम हैड envisioned when he was alive, which was RURA. Third is subsidy on solar and other renewable systems. तो अभी भी हम subsidy solar and other renewable energy systems पे heavily नहीं देते हैं. Why? It is not provided heavily because it does not have a direct impact on votes. Now that is something that you cannot write because it's
purely political in nature. So I thought I'll bring it up. But the conclusion is that subsidy on solar and other renewable energy systems is not enough to promote Make in India of solar energy in India. This will push Make in India, agar hum zyada subsidy denge, generate employment and skills at the local level. Although ye sari cheeze government identify kar chuki hai, but at the same time implementation of all these things is very slow. Implementation bahut slow hai, jiski wajah se smart grids, decentralized solar grid system, subsidies, they have not been implemented with the speed that they should have been implemented. So, humne conclusion mein bata diya ki ye steps hum aur le sakte hain if we want to achieve other SDGs along with achieving the SDG on affordable and clean energy. I hope this answer is more clear now. So, maine explain aapko kiya. Ab agar hum khali diagram pe jaye to bhi hum sari cheeze samajh jayenge. Diagram के थ्रू हम समझते हैं. डायग्राम में हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से हमको क्या अचीव करना है. हमको सबसे पहले मॉडर्न और अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स एडॉप्ट करने हैं. हमने बताया कि इंडिया ने अपने कौन कौन सी स्कीम्स के थ्रू ये एनर्जी सिस्टम्स एडॉप्ट किए और उससे SDGs पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, विच ऑल SDGs हैव बीन इम्पैक्टेड. जब हमने नेगेटिव बताया, फेलियर्स बताए, तो हमने बताया कि कौन कौन से इंडिया ने स्टेप्स नहीं लिए हैं which could have contributed towards achievement of these SDGs. And when we come to the conclusion, then we tell them positively that these are some of the other steps that can be taken by India if they want to achieve more of these SDGs given by the world together. I hope the answer is more clear now. हमने आज ये समझा है कि किस तरह से चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू बेटर आंसर्स लिखने हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल कीप डिस्कसिंग विद यू ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही उठाएंगे बिकॉज दे आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड ओवर टाइम वील लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग विदाउट एनी वनस हेल्प. आई होप यू लाइक द लेसन. इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ यू लाइक दिट अलॉट. All the very best. Take care.